इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ फोटोशॉप के अंदर 10 टू 20 केवी का सिग्नेचर और 20 टू 40 या 50 केवी का इमेज किस तरीके से बनाते हैं। जैसा कि दोस्तों अगर आप अपने घर पे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फॉर्म अप्लाई करते समय वहाँ पे जो क्राइटेरिया होता है वो 10 टू 40 केवी का या फिर 50 केवी का वहाँ पे इमेज अपलोड करना पड़ता है जेपीजी फॉर्मेट में। ज़्यादातर फॉर्मेट में यही होता है कि जेपीजी में आपको अपलोड करना है 10 टू 50 केवी या फिर 40 केवी और सिग्नेचर मिनिमम होता है 20 केवी तक। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि 10 टू 20 केवी का सिग्नेचर और 10 टू 50 या 40 केवी का इमेज किस तरीके से बनाते हैं। इमेज बनाने के लिए बहुत सारे तो जेपीजी फोटो का साइज रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जहाँ तक कि एंड्रॉयड फ़ोन से भी कर सकते हैं और ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के आप वहाँ पर आप अपने इमेज को क्वालिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन आज मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो ऑफलाइन तरीका है और ये फोटोशॉप के अंदर आज मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आपके पीसी में फोटोशॉप है तो फोटोशॉप को ओपन कीजिए और जैसे जैसे मैं बनाता हूँ वैसे आप करते जाइए। अगर आप फोटोशॉप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करना। और अगर आप पीडीएफ साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि 400 केवी 300 केवी का किस तरीके से पीडीएफ बनाते हैं, तो उन सारे वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फोटोशॉप पे मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल बना रखे हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप मेरे सारे वीडियो को वॉच कर बिना समय गवाए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके का हमेशा वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आप लोगों को इमेज बना करके दिखाते हैं और उसके बाद देन हम आप लोगों को सिग्नेचर बताएंगे। तो सबसे पहले जो एक्चुअल जो इसका साइज है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मेरा फोटो था, तो चलिए मैं इसका साइज मैं बता देता हूँ कि इसका साइज क्या है। तो इस पर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे आपको क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 52 KB का ये एक्चुअल साइज है, ऑन डिस्क साइज 56 है। तो ये पहले से ही मेरा बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे 100 KB या 200 KB या फिर 5 MB का है अपने फ़ोन से स्कैन करके कंप्यूटर में मूव किए हैं फाइल को तो ज़्यादातर MB का होगा, तो उसके भी सेम प्रोसेस है, यही इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फोटोशॉप में ओपन करना है उस इमेज को। तो मेरा जो इमेज है वो डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, तो चलिए हम यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करते हैं या फिर आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक कीजिए। और उसके बाद मैं डेस्कटॉप पे फ़ोटो रखा हूँ तो सिंपली डेस्कटॉप को सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरा डेस्कटॉप पे सिलेक्ट है, तो चलिए मैं फ़ोटो यहाँ से ले लेता हूँ। और यहाँ पर मेरा फ़ोटो आ चुका है। इसका साइज बनाने के लिए आप फिर क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से क्रॉप टूल से आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। तो मेरा क्रॉप है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बस करने के बाद सिंपली इंटर बटन को प्रेस कीजिए तो ये हमारा क्रॉप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं फाइल पे क्लिक कीजिए और फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको सेव फॉर वेब पे क्लिक करना है। सेव फॉर वेब पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको साइड में एक राइट साइड में कलर टेबल और इमेज साइज देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली इमेज साइज पर क्लिक करना है। इमेज साइज पर जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं 25.14 KB का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है 404 है, तो आपको बनाना है 40 KB का। तो यहाँ पे अभी 2.9 दिखा रहा है, तो अगर 400 है तो 29 है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 800। 800 करने के बाद दोस्तों आपको हाइट को कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, बस आपको विड्थ में यहाँ पे इंटर करना है 800 और अप्लाई कीजिए। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे बताएगा कि अब आपका फ़ोटो 75 KB का बन चुका है, लेकिन मुझे बनाना है कितना 50 KB का या फिर 40 KB का। तो 50 KB के लिए मैं 600 इंटर करता हूँ। यहाँ पर आप घटा बढ़ा करके देख सकते हैं, तो देख सकते हैं मैं जैसे ही यहाँ पे 600 डाला तो ये मेरा 50.57 KB का बन चुका है। तो फाइनली मेरा 50 KB का बन चुका है। और भी कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे 599 कर दीजिए और उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 50 KB। तो और भी कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर 550 डाल दीजिए और उसके बाद अप्लाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं 44 KB का मेरा बन चुका है। तो इसको सेव कीजिए। सेव करने के लिए आप मैं डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप चाहें तो आप नाम चेंज भी कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ JPG और इसको सिंपली डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। तो फाइनली मेरा फ़ोटो जो है वो JPG नाम से यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है। तो चलिए मैं इसका प्रॉपर्टीज दिखला देता हूँ आपको। तो देख सकते हैं मेरा 44 KB का इमेज बन चुका है। तो इसी तरीके से अगर आपका इमेज 2 KB 2 MB 3 MB या फिर 1 MB का हो तो सबसे पहले आपको उसको फोटोशॉप में ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके
सेव फॉर वेब पे जाना है और यहाँ इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको साइज डाल करके देखना है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक से यहाँ पर आ जाएगा 404 या फिर कुछ भी आए तो आपका साइज यहाँ पे आपको कॉर्नर में देखना है लेफ्ट साइड में नीचे, तो 29 KB का है तो यहाँ पर आप इसको बढ़ा के देखिए 500 कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर आपका उसका एक्चुअल साइज़ शो करेगा। तो जैसे ही मैंने 500 डाला तो यहाँ 330 जैसे ही मैंने वहाँ पे 500 डाला तो 39 KB का बन चुका। तो इसी तरीके से आप वहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज करके आप यहाँ पे साइज देख सकते हैं और उसके बाद सेव कर दीजिए। चलिए मैं अब बात करता हूँ सिग्नेचर बनाने के लिए। तो सबसे पहले सिग्नेचर को ओपन कीजिए जहाँ भी आपका सिग्नेचर हो। तो चलिए मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको क्रॉप कर लीजिए। तो क्रॉप टूल यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इसको क्रॉप कर लेते हैं। इंट्रो बटन को प्रेस कीजिए और इसका ब्राइटनेस लेवल जो आप घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपली आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एल दबाइए। जैसे ही एल दबाइएगा तो यहाँ पे आपको इसको थोड़ा ज़्यादा कर देना है ब्राइटनेस। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक मेरा बन चुका है। अब मैं इसका साइज को बनाऊंगा 20 KB का। तो 20 KB का बनाने के लिए इसको फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद फिर से वही तरीका अपनाना है आपको सेव फॉर वेब, और सेव फॉर वेब जाने के लिए आप इमेज साइज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे कितना दिखा रहा है 12 KB। तो चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 800 दोगुना, क्योंकि यहाँ पे 23 KB हो गया तो 20 KB का मुझे बनाना है तो थोड़ा सा आप कम कर देते हैं 750 कर देता हूँ क्योंकि 20 KB के अंदर मुझे चाहिए। तो 20 KB हुआ, 740 कर देते हैं और फिर से अप्लाई करके यहाँ पे कॉर्नर में देखिए 21 ही है। तो चलिए और कम कर देते हैं इसको 720 और उसके बाद अप्लाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे कॉर्नर मेरा 20 KB का बन चुका है। अब एक्चुअल 20 KB का बन चुका है। अब मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के लिए डेस्कटॉप पे सेव कीजिए और उसके बाद इसका नाम कुछ और दे दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ 20 KB सिग्नेचर SIGNAPURE और उसके बाद डेस्कटॉप पे करके सेव कर दीजिए। तो जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सिग्नेचर नाम से यहाँ पे 20 KB नाम से अपना आ चुका है। तो इसका साइज़ हम दिखला देते हैं प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके। तो देख सकते हैं मेरा 20 KB का एक्चुअल साइज बन चुका है। तो अगर आप किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिग्नेचर और JPG जो इमेज है फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपका एक्चुअल साइज नहीं बन रहा है तो ये तरीका अपना सकते हैं। फोटोशॉप की मदद से आप बड़े ही आसानी से आप इमेज को बना सकते हो। आई होप इस वीडियो से आप में सीख गए होंगे कि किस तरीके से 20 KB और 40 KB का आप इमेज साइज और सिग्नेचर बना सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।